अगर चांदी की बात करें जो लखटकिया हो चुकी है पहले से ही, लाख के बाद थोड़ा सा नीचे रिएक्शन आया, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में 35 के बाद फिर वापस आया है नीचे, तो थोड़ा सा वैसा ही रिएक्शन हमें घरेलू बाजार में भी दिखा है। मैं तो हमेशा बेसिक चीज़ों पे ही समझने की कोशिश करता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड डेटा मैं खुद ही नहीं समझ पाता, तो समझाऊँ क्या? मेरे हिसाब से ज़रूरत की बात है। सोने की ज़रूरत को चांदी रिप्लेस कर रहा है। सोना अपनी एक नई ज़रूरत की तरफ जा रहा है, जो कि सेंट्रल बैंक की रिजर्व की ज़रूरत है, और बाकी जो सोने की ज़रूरत है आम इंसान को या उनकी उनकी ज़रूरत के लिए चांदी आ गया है, इंडस्ट्रियल सेंट्रल कमोडिटी बैंक, या जो हाँ भी है। सेंट्रल बैंक अगर जियोपॉलिटिकल रीजन से मतलब एक प्रेशियस मेटल जमा करना चाहेंगे तो चांदी तो नहीं जमा कर पाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं उनको गोदाम बनाने पड़ जाएंगे। सही बात है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है राजू जी कि एक समय में मेरा ऐसा मन है कि डायमंड की भी वैल्यू शायद ना रहे, जी क्योंकि हीरा है सदा के लिए। जब से लैब ग्रोन डायमंड आ गए हैं, अब किसने असली पहना है किसने नकली पहना है, वो तो खाली कॉन्फिडेंस के लिए है कि भाई मैंने असली हीरा पहना है, बाकी सामने वाले ने असली नहीं पहना है किसको पता है। इतना तो आपको कोई फर्क होने नहीं, वाला नहीं, और मटेरियल में तो कॉस्ट दोनों में कोई फर्क है नहीं, सिर्फ कोई फर्क कागज नहीं। पे जो सर्टिफिकेट मिलता है जिसको आप अपने घर की अलमारी में रखते हैं, बस उतने में ही अंतर आता है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिला है ये ओरिजिन मतलब नेचुरल है और ये लैब ग्रोन है। तो किसी भी चीज को प्रेशस क्या बनाता है? बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो जब आपका डायमंड इतने आसानी से अवेलेबल हो जाएगा इन द फॉर्म दैट यू कांट डिफरेंशिएट, तो मुझे लगता है एक समय में वो भी अपना शीन खो देने वाला है। अल्टीमेटली जिसकी चमक रहेगी वो सोने की ही चमक रहेगी, बिकॉज लैब ग्रोन सोना तो सुना नहीं अभी मैंने। इसलिए चांदी अरे एक हमारे यहाँ तरफ, पारस पत्थर होता था, कोबिया। वो देखिए अब एक ये कह सकते हैं कि कोई भी वो चांदी पे वो सोने का क्या बोलते हैं जो भी उसका कलर चढ़ा के जो भी करते हैं वो पहन सकते हैं, वो अलग बात है थोड़े समय के लिए। लेकिन फिर भी जो भी प्योर गोल्ड पहनते हैं और जो भी प्योर गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो अलग से समझ में अच्छा, आती है। पारस पत्थर से तो मतलब सबको सोना बन जाता है, तो असली सोना बनता है ना, है नहीं हमारे पास। आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ी है, मेरी तरफ पहुंच नहीं रही है आवाज। मैं पारस पत्थर का जिक्र कर रहा था। पारस पत्थर मुझे नहीं पता रही, बताना पड़ेगा अरे आपको, मेरे बहुत कमजोर है अगर मामला इन सब में। अरे वो ऐसा पत्थर था कि किसी इंसान को उससे छुआ दें तो मतलब वो इंसान सोने का बन जाता था। वो पारस मणि वो वाला जो कहानी है उसकी बात कर रहे हैं फिर आप? तो पारस पत्थर, हाँ हाँ ऐसी करामाती मणि या पत्थर कह लीजिए कि मतलब जिस चीज को छू दें वही सोना बन जाए। हाँ तो सोना उसी कैटेगरी हमारे में पास है, होता था ना, असली हमारे सोना। देश में खो गया, अब उसका क्या करेंगे। हाँ, खो गया, विलुप्त हो गया, अब नहीं है तो नहीं है। अच्छा चलिए, तो फिर अभी करना क्या है, चांदी में अगर कोई पोजीशन लेकर के बैठे हैं तो उनको क्या करना है। चांदी के लिए 31.5 का वेट कर लें, 31.5 डॉलर। उसके पहले इसको निगेटिव नहीं करना है। 31.5, 31.5, ओके। उससे पहले यानी मोटे तौर पे जब तक ये 50-day मूविंग एवरेज के नीचे ना जाए तो ये तो चलता रहेगा, फिर लेवल ऊपर बढ़ते नहीं रहेंगे नहीं फिर। नहीं 50 DMA से नहीं जाएंगे, हम ओके ठीक पैटर्न पे जाएंगे। है, तो ये हार्ड कोडेड है, ये मतलब अभी 31.5 कुछ दिनों तक याद रख करके चल सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अगर थोड़े समय पे देखिए तो ये आपका काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स वाला पैटर्न है। इसके ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो अभी तक पॉजिटिव ही है।